Hello students, myself Akshay Joshi from Chichen Public School welcomes you in another online classes of class 4th of English. ठीक है बच्चों, तो आज हम क्लास 4th इंग्लिश की जो है एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है बेबी सीड्स सॉन्ग. ठीक है ना, छोटे छोटे जो बेबी हैं, छोटे छोटे जो सीड्स के छोटे छोटे सीड्स, सीड्स मतलब समझते हैं आप, सीड्स मतलब बीज. ठीक है ना, उसको बेबी सीड्स बोला गया. ठीक है ना, तो वो कुछ गा कर कुछ बताना चाह रहे हैं. ठीक है ना, तो उस बारे में जो पोयम है देखते हैं इसको पढ़ के. इसको लिखा है एडिथ नेस्बिट ने. ठीक है ना, इसे एडिथ नेस्बिट जो है द्वारा लिखा गया है. चलिए पढ़ते हैं इस पोयम को. इस पोयम में क्या है, लिटिल ब्राउन ब्रदर, ओ लिटिल ब्राउन ब्रदर. ठीक है, यहाँ पे दो फ्लावर्स हैं, एक लिली फ्लावर्स कह सकते हैं, व्हाइट टाइप व्हाइट कलर के होते हैं ना जो लिली के फ्लावर्स. ठीक है ना, और एक सनफ्लावर की बात हो रही है यहाँ पे, मैं आपको पहले से बता दूँ. ठीक है, व्हाइट कलर का सनफ्लावर, सनफ्लावर और व्हाइट लिली और सनफ्लावर की जो है यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है ना, तो जो लिली फूल है, व्हाइट कलर का जो फूल है, वो सनफ्लावर को क्या कह रहा है कि लिटिल ब्राउन ब्रदर, ओ लिटिल ब्राउन ब्रदर. ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जब वो दोनों बीज थे, बीज मतलब पहले तो सीड ही हो गया ना, फूल कैसे उगता है या कोई भी चीज कैसे उगती है, जब वो बीज होती है पहले तो बीज ही होती है, बीज से वो क्या धीरे धीरे बढ़ते. ठीक है, तो वो जबकि बात कर रहे हैं, जब शुरू जैसे ही जो वो दोनों जब छोटे छोटे थे, जब से वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं वो, तो लिली जो है फ्लावर क्या बोल रहा है सनफ्लावर को कि लिटिल ब्राउन ब्रदर, ओ छोटे ब्राउन ब्रदर. ठीक है, आर यू अवेक इन द डार्क, क्या तुम रात को भी जागते हो. ठीक है ना, तुम अंधेरे में भी जागते हो क्या. ठीक है, हियर वी लाई कोजीली क्लोज टू ईच अदर. ठीक है ना, देखो हम यहाँ पर कोजीली, हियर वी लाई, हम रह रहे हैं कोजीली. कोजीली मतलब क्या होता है, सुख से, आराम से, कंफर्टेबल. देखो इसका मतलब दे रखा है कंफर्टेबल इन ए स्मॉल स्पेस, हम इस छोटी सी जगह में भी कितने अच्छे से रह रहे हैं, बिल्कुल पास पास. ठीक है ना, यहाँ पे दो बीच की बात हो रही है, दो फ्लावर्स की बात हो रही है, किस किस की, एक छोटा व्हाइट लिली की और सनफ्लावर की. ठीक है ना, तो व्हाइट जो लिली है वो सनफ्लावर को बोल रहा है कि सुनो लिटिल ब्रदर, क्या तुम डार्क में भी रात को भी जगते हो, और देखो हम यहाँ पे कितने अच्छे से पास पास बिल्कुल रह रहे हैं. ठीक है, हार्क टू द सॉन्ग्स ऑफ द लार्क, हार्क टू द सॉन्ग्स ऑफ लार्क. हार्क मतलब क्या होता है, हार्क मतलब किसी को कुछ कहने, सुनने के लिए कहना. ठीक है ना, कि सुनो मेरी बात. ठीक है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं वर्ड, यहाँ पे इस पोएम में क्या यूज किया गया वर्ड, हार्क. ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कौन, लिटिल जो स्मॉल जो लिली प्लांट है वो किससे बात कर रहा है, ब्राउन उसको सनफ्लावर को बता रहा है कि हाँ सुनो, किसको सुनो, टू द सॉन्ग ऑफ द लार्क. लार्क मतलब क्या होता है, छोटा सा पक्षी, तुम छोटे से पक्षी के सॉन्ग को सुनो, जिसकी आवाज बहुत ही अच्छी, जिसके गीत जो है बहुत ही अच्छा सिंगिंग करता है, उस छोटे से पक्षी को सुनो. ऐसा कौन बोल रहा है, सनफ्लावर को, वो लिटिल कौन सा फ्लावर, लिली फ्लावर बोल रहा है. वेकन द लार्क सेज वेकन एंड ड्रेस यू. ठीक है ना, तो उस गाने में क्या बोल रहा है, उठो और उठ के ड्रेसअप कर लो अपने आपको, ड्रेसअप कर लो मतलब, अब जैसे फ्लावर तो कोई ड्रेसअप नहीं करेगा, पर उठो. ठीक है ना, वो बोल रहा है इस गाने में क्या बताया जा रहा है कि लार्क कह रहा है, लार्क अपने गाने में कह रहा है कि उठो और अपने आपको ड्रेसअप करो, अपने आपको तैयार कर लो. ठीक है, पुट ऑन यून ग्रीन कॉट्स एंड गे. ठीक है ना, अपने ग्रीन कॉट्स को पहनो और गे हो जाओ. गे मतलब यहाँ पे गे का मतलब क्या बताया जा रहा है, गे का मतलब चीयरफुल एंड ब्राइट, बिल्कुल चमकदार और बिल्कुल खुश मिजाज बन जाओ. ग्रीन कोट मतलब ग्रीन कोट क्या होगा वहां पे, उस फूल का पत्तिया, उनकी पत्तिया क्या होती है, अभी मुरझा गई है, रात को क्या हो जाती है, मुरझा जाती है, अब सुबह ही, तो वो उसको बोल रहा है कि उठो और तुम्हारा ग्रीन कोट पहन लो, मतलब अपने आप को जो है चीयरफुल और ब्राइट बना लो. ठीक है, आई समझ बोलो बच्चों, ब्लू स्काई विल शाइन ऑन यू एंड सनशाइन केयर्स यू. ठीक है ना, जो नीला आसमान है, नीला आकाश है, वो तुम्हारे ऊपर चमकेगा बिल्कुल, और सनशाइन जो है, सूरज की किरणें जो है तुम्हारी केयर्स करेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारी जो है केयर करेगी. ठीक है ना, वेकन टीज मॉर्निंग टीज मई. ठीक है ना, उठो, सुबह हो गए, सुबह है, ये मई की सुबह है. ठीक है ना, मई की सुबह की यहाँ पे बात हो रही है, लिटिल ब्राउन ब्रदर, ओ लिटिल ब्राउन ब्रदर. What kind of flower will you be? वो बोल रहे कि ओ लिटिल ब्राउन ब्रदर, तुम किस प्रकार के फूल हो या किस प्रकार के फूल तुम बनना चाहते हो. ठीक है ना, I will be a poppy, all white like my mother. ठीक है ना, मैं तो पॉपी वाई पूरी तरीके से सफेद एक पॉपी हूँ. पॉपी मतलब एक तरह से कहना चाह रहा है कि मैं एक डेलिकेट हूँ. पॉपी मतलब हो सकता है खुश मिजाज, या कलर मतलब एक प्रकार व्हाइट और बिल्कुल नाजुक सा फूल हूँ, लाइक माई मदर, मैं बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह, माँ की तरह जो है एक नाजुक सा एक सफेद फूल हूँ. डू बी ए पॉपी लाइक मी, क्या तुम भी मेरे जैसे बनना चाहते हो, मेरे जैसे पॉपी बनना चाहते हो. ठीक है, वॉट यू आर अ सनफ्लावर, हाउ आई शैल मिस यू.
ठीक है ना। उसने बोला क्या तुम तो एक सनफ्लावर हो, उसको पता चला ठीक है ना। तो वो बोल रहा है क्या तुम एक सनफ्लावर हो, हाउ आई शेल मिस यू, पर तो भी मैं तुम्हें मिस तो बहुत करूंगा ठीक है ना। मैं क्यों मिस करना चाह रहा है, क्योंकि अब सनफ्लावर है, सनफ्लावर तो क्या होता है बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लीली तो छोटे ही पौधे बन छोटा ही रह जाएगा फूल ठीक है ना, जबकि सनफ्लावर के जो फूल जो होते हैं वो कितने लंबे हो जाते हैं ठीक है ना। तो जैसे उसने बोला कि व्हाट यू क्या तुम सनफ्लावर, तो फिर तो मैं तुम्हें जो है मैं तुम्हें मिस जो है बिल्कुल करूंगा ही। मैं मिस किस तरह से करूंगा, व्हेन यू आर ग्रोन गोल्डन एंड हाई, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम चमकदार गोल्डन बन जाओगे, गोल्डन जैसे चमक लग जाओगे और ऊंचे हो जाओगे, बट आई शेल सेंड ऑल द बीज अप टू किस यू, तो मैं क्या करूंगा जो भी मधुमक्खी और जो भी इंसेक्ट्स मेरे पास आएंगे, जो भी बीज जो है मेरे पास आएगी, काय के लिए आती है फूल बीज मधुमक्खी सब फूलों के पास क्या होती है अपने उनका फूलों का रस लेने के लिए ठीक है ना। तो मैं सारे फूल उन बीज को जो है तुम्हारे पास भेज दूंगा किस करने के लिए, मतलब तुम्हारे पास भी मैं इसको अपने अपना प्यार जो है मैं तुम इस बीज के थ्रू जो है अपने तुम तक पहुंचाऊंगा ठीक है ना। एंड लिटिल ब्राउन ब्रदर गुड बाय, तो वो लिटिल ब्राउन ब्रदर बोलता है ठीक है लिटिल ब्राउन ब्रदर गुड बाय, और उससे वो गुड बाय कर लेता है। तो एक छोटी सी प्यारी सी एक कविता थी जो छोटे से दो बीजों के बारे में, जो दो बीज बड़े होकर फूल बन जाते हैं, और वो फूल कौन कौन से होते हैं, एक तो लिटिल एक तो लिली का वाइट प्लांट जो है, वाइट फ्लावर वाला जो भी कुछ भी प्लांट मान सकते हैं, तो मैं लिली मान रहा हूँ, और एक सनफ्लावर की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है ना। तो लिटिल ब्राउन ब्रदर जो है वो उसको छोटा जो पौधा है वाइट वाला, वो सनफ्लावर को बोल रहा है कि उठो, और उससे सब बातें कर रहा है कि उठो तुम लार्क का सॉन्ग सुनो, वो क्या कह रहा है कि उठ जाओ और का ड्रेस कर लो अपने आप को, एक चीयरफुल और ब्राइट है इंसान, वाइट ब्राइट हो जाओ बिल्कुल है ना, ग्रीन कोट पहन लो अपना ठीक है ना, सनशाइन तुम मेरी केयर करेगी ठीक है, उठो तुम किस प्रकार का फूल बनना चाहते हो। फिर बोलता है कि व्हाट क्या तुम सनफ्लावर ठीक है ना, हाउ आई शैल मिस यू, तो मैं तुम्हें किस तरह से मिस करूंगा ठीक है ना, जब तुम बड़े हो जाओगे ठीक है ना, तुम बड़े हो जाओगे और ऊंचे हो जाओगे, तो मैं तुम्हें किस तरह से मिस करूंगा ठीक है, मैं तुम्हें मिस तो बहुत सारा करूंगा, और मैं इसको बट आई शेल सेंड ऑल द बीज, तो मैं जो भी मेरे पास मधुमक्खी आएगी वो मैं तुम्हें भेज दूंगा ठीक है। तो इस तरह की पोएम थी बच्चों, तो आई होप आपको समझ आई होगी अच्छे से, इसको आप फिर से पढ़िएगा ठीक है, और ये आपके हार्ड वर्ड्स है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपीज वगैरह में सब में ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसकी पीडीएफ वगैरह आप आ चुकी है, आप इसको जरूर देखिएगा पढ़िएगा ठीक है बच्चों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।